अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटन, वो भी अपने स्टाइल से। चलें तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया देसी को। अब इसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून जो है ना वो बटर डाल दूँगी, मक्खन, और साथ ही मैं इसमें 3 टेबलस्पून ही जो है ना वो ऑयल ऐड कर दूँगी ताकि जो मक्खन है वो जले ना। इसमें मैं 7 जो है वो इलायची डाल रही हूँ। इनको मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से खोल लिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे, इतना पकाएंगे कि इलायची की थोड़ी सी स्मेल आने लग जाए। इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ 1 कप जो है वो शुगर चीनी, मतलब इसके मैंने 2 कप जो है वो चावल लेके उनको मैंने बॉईल करके पहले से रख लिया और उसमें 1 कप मैं चीनी डाल रही हूँ। आंच मेरी मीडियम है, नीचे से फुल फ्लेम नहीं है, जो है वो मीडियम है अभी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 6 से 7 टेबलस्पून जो है ना वो यहाँ पे मैं दूध ऐड कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता ताकि इसकी गिट्टियाँ ना बने चीनी की। ये ले। और जो चावल हैं वो मैंने इतने, मतलब सिर्फ एक जो उसकी कन्नी कहते हैं ना रखी है चावल की बॉयल, जब मैंने किए हैं उनको मैंने ज़्यादा, मतलब कच्चा नहीं रखा, ज़्यादा तो थोड़ा सा ज़्यादा पकाया हुआ, क्योंकि फिर जब आप इसको इसमें इसके वो बोलते हैं शीरे में जब आप पकाएंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं अगर आप उसको 2 कन्नी छोड़ दें या, इसलिए मैं ज़्यादा उनको ज़्यादा कुक करती हूँ, मतलब 1 कन्नी जो है ना वो रह जाए तो फिर मैं उनको उतार लेती हूँ चूल्हे से। ये देखें, इसको अब हमने थोड़ा सा ना गाढ़ा करना है ताकि जो चावल है ना वो इसको जो है ना जब वो हम इसके अंदर डालेंगे तो वो चावल जो है ना वो ऑलरेडी पानी छोड़ते हैं थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर होता है, मैंने क्योंकि अभी ड्राई करने के लिए रखा हुआ है नीचे। यहाँ पे अच्छी तरह हो गया है ये तैयार। अब इसमें बॉयल जो चावल है 2 कप मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इनको हल्के हाथों से जैसे कहते हैं मिक्स कर लें। अच्छी तरह मैं इनको मिक्स कर लूँगी ताकि जो इसका मैंने बनाया था शीरा वो सारा जो है चावल में मिक्स हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है ना मैंने नीचे से आँच इसकी अब थोड़ी सी तेज़ कर दी और साथ साथ मैं इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखूंगी भी कि इसका पानी जो है ना, मतलब शीरा कितना ड्राई हो गया। ये देखें काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो गया। ये देखें अब मैं इसको लगा दूंगी दम पे, 15 से 20 मिनट के लिए दम दूंगी मैं चावलों को। यहाँ देखिए दम आ चुका है चावलों को, अब इसको खोलते हैं। ये देखिए मैं इसमें जो फूड कलर होता है वो पहले नहीं ऐड करती, वो मैं सबसे लास्ट में ऐड करती हूँ। मेरे पास है पाउडर फूड कलर, कहीं के पास लिक्विड भी होता है,
मैं पाउडर फूड कलर यूज़ करती हूँ वो सब सबसे लास्ट में मैं ऐड करती हूँ चावलों में जब दम वगैरह देने के बाद। अब मैं इसमें एक तो ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी, आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें, मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ। और साथ में मैं अब इसमें फूड कलर ऐड करूँगी, पहले येलो कलर, आपको जितना टेस्ट पसंद है आप उतना कर सकते हैं। और इनको मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लेती हूँ साथ में फूड कलर डाल के। इसी तरह मैं रेड जो फूड कलर है उसको करूँगी। और थोड़ा सा मैं वाइट भी बीच में चावल छोड़ दूंगी ताकि जो है वाइट चावल भी कहीं कहीं आपको नज़र आने चाहिए। अब इसमें मैं ग्रीन कलर ऐड करूंगी, वो भी सेम। अब मैं इसको मिक्स करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसे लगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।